हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम सबीहा इमरान हियर एट पार्क इंग्लिश लैंग हाजिर खिदमत है आज के तीन वर्ड चलें जी लेट्स हैव अ लुक एट द थ्री वर्ड्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे द फर्स्ट वन इज रिफर्बिश्ड दूसरा जो लव्ज है एक्चुअली लव्ज नहीं है मुहावरा है वो है कम अक्रॉस समथिंग और जो तीसरा है वो है अ पीस ऑफ केक लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स जो पहला लफ्ज़ है रिफर्बिश्ड इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो मुरम्मत शुदा हो या उसे नया किया गया हो लाइक अगर हम कोई पुराना फ़ोन ख़रीदते हैं जिसे रिकंडीशन किया गया हो तो हम कहेंगे कि ये रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन है जो मैंने ख़रीदा है सो इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मेड टू लुक न्यू अगेन बाय वर्क सच एज पेंटिंग और रिपेयरिंग और क्लीनिंग यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ जिसे नया बनाया गया हो पेंटिंग करके रिपेयर करके या साफ सुथरा करके सो रिफर्बिश्ड इज़ द फर्स्ट वर्ड एंड लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड रिफर्बिश्ड पहला जुमला है अर्थक्वेक अफेक्टेड बिल्डिंग विल सून बी रिफर्बिश्ड जलजले से मुतासरा शुदा इमारत की जल्द अज जल्द मुरम्मत कर दी जाएगी दूसरा जुमला है द कंपनी ऑफर्स रिफर्बिश्ड मशीन्स विद लिमिटेड वारंटीज कंपनी मुरम्मत शुदा मशीनों को महदूद वारंटी के साथ पेश कर रही है ऑफर कर रही है थर्ड है रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स आर चीपर देन न्यू वंस मुरम्मत शुदा मोबाइल फ़ोन जो हैं वो नए मोबाइल फ़ोन्स के मुकाबले में सस्ते होते हैं वेल द नेक्स्ट फ्रेज जो है वो है कम अक्रॉस समथिंग यानी कि गैर मुतवक्के तौर पर मिलना You can come across a person or you may come across a thing or maybe some circumstances. ठीक है तो गैर मुतवक्के तौर पे जो है किसी हालात का सामना किसी चीज़ से सामना हो जाना या किसी शख्स से आप मुलाकात हो जाए गैर मुतवक्के तौर पे तो आप ये मुहावरा इस्तेमाल करेंगे इसकी मिसाल है I came across these old photos when I was studying the closet. जब मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रहा था तो मुझे गैर मुतवक्के तौर पे ये तस्वीर मिली या आप इसकी एक और मिसाल ले सकते हैं कि जब मैं आज मैं मार्केट गया तो मुझे इत्तेफाक से एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई केम अक्रॉस अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन सो द थर्ड फ्रेज इज़ अ पीस ऑफ केक यानी कि कोई काम जो बहुत ही आसान हो ठीक है तो इसकी जगह अ पीस ऑफ केक भी कह सकते हैं या दिस वर्क इज एज ईजी एज ए बी सी और दिस वर्क इज एज ईजी एज 1 2 3 सो दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशंस दैट यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर वेरी ईजी कोई ऐसा काम जो मुकम्मल करना बहुत आसान हो अ टास्क दैट इज सिंपल टू कम्प्लीट समथिंग दैट इज ईजी टू डू लाइक द एग्जाम्पल इज गिवन हियर कहानियाँ लिखना मेरे दाएँ हाथ का काम है या कहानियाँ लिखना मेरे लिए बहुत आसान काम है So you can say writing stories is a piece of cake for me. So these were the three words and phrases that we have done. Ek bar dobara se inko dekh lete hain. Refurbished, come across something and a piece of cake. I hope you would remember them and you're going to use them in your daily conversation, in your writing and you will impress the people around. So this was all for today folks. Stay connected to Park English Link and keep on learning. Allah Hafiz.